मेरे साथ देखे रमजान दोस्तों कौन और दोस्तों शामिल जो मेरे साथ मौजूद हैं और आज बड़ा अच्छा कुर्ता पहना हुआ है आपने। आज मैंने सोचा मैं मदिया के साथ मैचिंग कर लेती हूं। आज हम दोनों ने सोचा कि हम ब्लैक में आए एग्जैक्टली क्योंकि हम दोनों ने सोचा कि मॉर्निंग शो में भी सबने ब्लैक पहना हुआ तो आज भी ब्लैक पहन लेते हैं। ठीक तो खैर आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैंने सोचा कुछ मजे की चीजें हो जाए फिर से। ऑब्वियसली रोज मजे की चीजें होती हैं। आई थिंक मदिया आपको बताएगी कि कल बर्गर्स के साथ क्या हुआ। तो कल बर्गर्स बचे ही नहीं ना अफ्तार के वक्त तो पता ही नहीं चला किसने के गए किधर खान हो गए कुछ बना भी था कि नहीं। और हम चाहते हैं आपके दस्तरखान में भी यही हो कि जो बने वो नजर ही ना आए तो गायब हो जाए। चलिए आज हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बेसिकली बना रहे हैं चिकन विंग्स बट तंदूरी चिकन विंग्स। किसने बोला कि चिकन विंग्स को सिर्फ आप गोरे स्टाइल में बनाएं या वेस्टर्न स्टाइल में बनाएं? आप चिकन विंग्स चिकन होती है, आप उसको जैसे बनाना चाहते हैं आप वैसे बनाएं। आपने उसके अंदर देसी मसाले लगाने हैं आप देसी मसाले लगा दे। चिकन इज चिकन एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने सोचा तंदूरी चिकन विंग्स हो जाए। और उसके साथ हमारे पास आज खट्टे आलू हैं। खट्टे आलू बहुत ही मजे के बनते हैं और ये टिपिकल बॉम्बे की डिश है एंड बहुत ही टेस्टी डिश है। इसको मैं सेव के साथ सर्व करूंगी एंड आज आप लोग जल्दी से आलू के लिए पानी चढ़ा दें, आलू बॉयल करें और मेरे साथ ही बनाएं। कश्मीर हमने ये बॉयल किया है एग्जैक्टली बॉयल करके हमने उसको क्यूब्स में काटा हुआ है। पहले चिकन जल्दी से आप 3 घंटे तक चिकन को मैरिनेट कीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं होता तो आई कांट डू इट फॉर दैट लॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। पहले मसालों में पहले 1 कप दही डाल देते हैं ताकि मसाले बॉयल के ऊपर ना चिपकें। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। आप हल्दी कोशिश कीजिए ताजी लीजिए और उसको खुद अपने सामने पिसवाएं या फिर आगा से ले लें बिकॉज आई नो दैट पिसी भी हल्दी पिसी भी लाल मिर्ची ऐसी चीजें हैं जो आपने कहीं आम जगह से मत लीजिए, बहुत मिलावट होती है। अच्छा ये लाल मिर्ची पाउडर नहीं है, ये बेसिकली स्वीट पेपरिका पाउडर है। तो आप गलती से लाल मिर्ची मत डाल दीजिएगा, ये थोड़ा कम तीखी रेसिपी है। इट्स मोर कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर ज्यादा रंग लाते हैं रेड कलर, तो वो इसलिए तंदूरी डिशेज में आप नोटिस करो। बाहर के मुल्कों में तो लोग एक्चुअली पुट फूड कलरिंग, वो 2-3 कतरे जैसे जर्दे का रंग होता है वो फूड कलरिंग में ला देते हैं। इसलिए जो चिकन टिक्का आपको लंदन में मिलता है फॉर एग्जांपल वो लाल सुरख रंग का होता है और आपको लगता है वाह इनकी मिर्चें कितनी प्योर हैं। एग्जैक्टली। चले नमक हसबे जायका डालेंगे इसमें। दही में मैं डालूंगी तकरीबन 1 से 2 चाय के चमचे चीनी, थोड़ी सी मिठास भी आएगी खटास भी आएगी क्योंकि इसमें लेमन है। अच्छा यहाँ मेरे पास है देख लीजिए क्या ये है, गरम मसाला। गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच जाएगा। उसके अलावा जीरा मेरा फेवरेट जीरा जाएगा अबाउट 1 स्पून एंड ये है धनिया जाएगा और 1 स्पून। ठीक है सबकी शक्ल एक जैसी है बिल्कुल बट आपको सिर्फ फ्रेग्रेंस से पता चलता है कि एक्चुअली क्या चीज क्या है। उसके अलावा यहाँ मेरे पास 3 रवे लहसुन के हैं जो मैंने बिल्कुल बारीक पीसे हुए हैं, वो हम शामिल करेंगे 3 रवे। ठीक है उसके अलावा यहाँ मेरे पास लेमन जूस है, आप अगर फ्रेश लेमन इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रेश लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत कन्वीनियंट होता है। बट ट्राई कीजिए कि फ्रेश लेमन इनकॉर्पोरेट करें बिकॉज लेमन में भी विटामिन सी होता है जैसे ऑरेंजेस में होता है, हर सिट्रस फ्रूट में आपको विटामिन सी मिलता है। थोड़ा सा और ताकि खटास मजे की हो। अच्छा मैं हमेशा मैरिनेट अलग बोल में इसलिए बनाती हूँ ताकि आप आराम से इसको चख सकें। अभी तो हमारा रोजा है चख नहीं सकते बट हमेशा अपना मैरिनेट ऐसे बनाएं ताकि आप चख सकें। अगर आपने नमक चीनी मसाले कुछ भी बैलेंस करना है तो वो आप शाम तुमने बोली थी कि 3 घंटे तक मैरिनेट करें। 3 घंटे तक आप मैरिनेट करें चिकन को। ठीक है उसकी वजह यह है कि दही एक टेंडराइजर भी होता है, इट्स अ मीट टेंडराइजर। अगर आप गोश्त के ऊपर दही लगा के रख देंगे तो आपको कच्चा पपीता या जो मीट टेंडराइजर सिंथेटिक आता है वो नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत। बस मैरिनेट सही टाइम के लिए कीजिए और अच्छे क्वालिटी का मीट यूज कीजिए, आपको कोई टेंडराइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मुझे तो कच्चा पपीता पसंद भी नहीं है एक्सेप्ट इन ऑब्वियसली रॉ पपाया सैलेड जो सम टाइम होता है, कच्चे पपीते का सलाद अगर अभी अच्छा सीजन में मिल रहा होता तो मैं आपके लिए जरूर बनाती बट आगे जाके मैं बनाऊंगी। जिन्होंने पहले शो देखा उन्होंने देख ली होगी रेसिपी। ऑयल ऐड करेंगे हम थोड़ा सा डालडा का ऑयल, इसमें मैं दिया अबाउट 1 टेबल स्पून। ब्रेक का भी वक्त आ गया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर आप डालडा ऑयल डाल दीजिए। ठीक है थोड़ा सा और जब आप मैरिनेशन में ऑयल डालते हैं मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ क्या होता है मदिया, गोश्त के साथ लग जाता है। एग्जैक्टली आराम से मैरिनेट कर सकते। आई थिंक अब मुझे ना
मदीहा इज गोइंग टू बी अ शेफ आल्सो इस शो के बाद. सोचें फिर आप लोगों का क्या हाल होगा. एग्जैक्टली. आप लोग इन्हें सिर्फ मदीहा की रेसिपीज चाहिए जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट रह जाती है. एग्जैक्टली. एक आखिरी चीज मदीहा मैं ऐड करूंगी, फिर हमें झटपट ब्रेक पर जाना है. इसके अंदर मैं एक प्याज जो कि कद्दूकश की हुई है, कद्दूकश की हुई है प्याज, वो शामिल करूंगी. ठीक है, ब्रेक का वक्त. ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं और देखते रहिए रमजान दस्तरखान शेफ शारमैन मदीहा इफ्तिखार के साथ. बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रमजान दस्तरखान और अगर आप हमसे कोई सवालात या कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप जरूर, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS के जरिए मैसेज कर सकते हैं. एंड अगर आपने ईद से पहले कुछ स्पेशल बनवाना है तो उसकी फरमाइश कर लीजिए. अच्छा, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये ग्रिल पैन है, इसको मैं जो हमारे तंदूरी चिकन विंग्स हैं उसके लिए गर्म कर रही हूँ. मैंने इसके अंदर डालडा ऑयल डाला है, रेगुलर ऑयल. और इस वाले पैन पे भी आप देखें, अगर चूल्हा ऑन है, मैं तकरीबन एक चाय का चमचा इसके अंदर ऑयल डालूंगी. एंड दैट्स इन. यहाँ से एक लकड़ी का चम्मच ले लेते हैं. जब भी आप नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कीजिए. ये है कैरम सीड्स या अनियन सीड्स, या आप इनको कलौंजी बोल सकते हैं. ठीक है, कलौंजी मुझे बहुत पसंद है, रोटी भी जब लगी होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो ये हम खट्टे आलू में डालेंगे. यहाँ बेसिकली ठंडे ऑयल में मैंने डाला है. जैसे कलौंजी क्रैकल करने लगेगी, यहाँ मेरे पास 3 कश्मीरी लाल मिर्च पिसे हुए हैं. मैंने इनको सोक किया गर्म पानी में तकरीबन 20 मिनट, उसके बाद ब्लेंडर में अच्छे तरीके से पीस लिया. कश्मीरी लाल मिर्च मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है. ठीक है, आपको आकाश पे आराम से मिल जाएगी. धो लीजिए एक दफा, फिर इसको सोक कीजिए, बिकॉज जिस पानी में आप सोक करेंगे उसी में पीसिए. ज्यादा पानी इस्तेमाल कीजिए ऑब्वियसली, बिकॉज आपको एक वाटरी पेस्ट नहीं चाहिए, आपको एक थिक पेस्ट चाहिए. कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तीखी नहीं होती जितनी रेगुलर, देखिए जितनी बड़ी मिर्च होगी उतना उसके अंदर स्पाइस कम होगा. तो इसलिए इसके अंदर एक जैसे पेपरिका का एक फ्लेवर होता है, तीखापन होता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बैलेंस होता है. आपके पास पिसी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. रंग बहुत खूबसूरत आता है, दैट्स वाई आई रेकमेंड कि आप यूज कीजिए. यहाँ देखिए पैन गरम हो गया है, कॉल है हमारे साथ, कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप, मैं किससे बात कर रही हूँ? जी मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से. कैसी हैं आप सारा? हाँ ठीक अल्लाह का शुक्र. और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू जी. आप रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी जी बिल्कुल ट्राई करती हूँ. चलिए वेरी गुड. मेरी फरमाइश भी है. जी जी बोलिए. मुझे चिकन टिक्का की रेसिपी बता दें. किसकी? चिकन टिक्का. चिकन टिक्का. अच्छा, एक तो आप ट्राई कीजिएगा जो मैं ये तंदूरी चिकन विंग्स बना रही हूँ, यही मैरिनेशन आप चिकन टिक्का के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा. और इसी रेसिपी में पेपरिका की जगह आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए. आपको एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बहुत मिलता जुलता जायका आएगा, थोड़ा सा अदरक भी डाल दें. एंड दैट्स इट. इतना फर्क नहीं होता तंदूरी में और टिक्के में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा, मैंने कॉलर से बात करते हुए इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च. ठीक है, यहाँ से चाय का चमचा ले लेते हैं और मसाले शामिल करते हैं. आपने लेना है जीरा पाउडर आप डालेंगे इसमें तकरीबन एक चाय का चमचा, थोड़ा सा धनिया पाउडर आप डालेंगे, उसके अलावा आधा चाय का चमचा इसमें जाएगी हल्दी. देखिए जब आप मसाले ऐड कर रहे होते हैं तो पैन के साइडों पे मत डाल दीजिए, जल जाएंगे मसाले, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी. अच्छा, यहाँ गरम मसाला है, आप गरम मसाला शामिल कर दीजिए. अगर आपको ऑल स्पाइस डालना है तो आप ऑल स्पाइस भी डाल सकते हैं. इसके साथ ही मैं 2 जब्बे लहसुन के पिसे हुए इसमें शामिल करूँगी. ठीक है, इसको थोड़ा कुक करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं, देखें हर मसाले को कुक होने में एक वक्त लगता है. हम जब सालन घर पे बनाते हैं तेज चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ तल देते हैं, ऐसे मत कीजिए. धनिया पाउडर 2 से 3 मिनट लगते हैं पकने में. हल्दी का टाइम फ़र्क होता है, लाल मिर्ची का फ़र्क होता है, तो आप मसालों को जला मत दीजिए. ठीक है, ये हो गया. इतने मज़े की खुशबू आ रही है अभी यहाँ. नमक शामिल करेंगे हसबे ज़ायका, थोड़ी सी और थिंक. एंड यहाँ मेरे पास इमली का रस है. ठीक है, इमली का रस हम शामिल करेंगे.
तकरीबन एक चौथाई कप आप एक मुट्ठी इमली ले लीजिए, उसको पानी में सोक कर दें। तकरीबन एक चौथाई कप पानी में उसको आपने सोक कर दिया, गर्म पानी। जैसे आपको लगे 20-25 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, आपने निचोड़ लिया, सारे बीज हटा दिए और बचा आपके पास ये मजे का इमली का पेस्ट। ये खट्टे आलू ऐसे मजे के बनेंगे ना, आप लोग घर पे जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। चलिए, यहाँ थोड़ा हल्की आंच पे कुक हो रहा है, मैं इधर आ जाती हूँ चिकन ताकि हम स्टार्ट कर लें। बेसिकली चिकन आप कोशिश कीजिए आप तकरीबन घंटे 3 घंटे तक इसको या ओवरनाइट मैरिनेट कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं होता तो ऑब्वियसली मुझे झटपट करना पड़ता है। आप इन्हीं को अवन में भी बना सकते हैं, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप अवन में बना दीजिए चिकन विंग्स को। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओहो ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक सेकेंड हाथ साफ हो जाएं और फिर मैं चले हाथ साफ। चले हाथ साफ हो गए, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे चिकन विंग्स हैं उसका पहले पैन सीधा कर दें और फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे। देखिए, जब भी आप खाना पकाएं तो ज़्यादा तेज आंच पे मत पकाएं, जल जाएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चले, हमारा आलू का मसाला तो यहाँ बिल्कुल तैयार है। मैं अभी इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आप जो भी चीज़ ये उबले हुए आलू हैं, बहुत ज़्यादा आलू को मत उबाल दीजिए कि वो बिल्कुल चुरमुर हो जाए। उसको आप इतना उबालें कि जस्ट कुक्ड हो और इसको अच्छे तरीके से टॉस कर दें आलू को मसाले में। 2 से 3 मिनट मैं इसको दम दूंगी ताकि जितने भी जायके हैं वो इन्फ्यूज हो जाएं या हमारी चिकन पकड़ी। आप लोग झटपट एक ब्रेक पे जाएं, चैनल मत बदलिए, विल जस्ट बी बैक बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमजान दस्तरखान और यहाँ हमारे जो तीखे खट्टे मजेदार आलू हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। इतना सिंपल, इतना आसान, सिर्फ 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा जब आप इमली सोक करेंगे पानी के अंदर और जब आप लाल मिर्चों को सोक करेंगे। एक और एडवाइस, अगर आपको आदत नहीं है लाल मिर्चों को हैंडल करने का तो प्लीज़ अपने हाथों पे पहले ऑयल लगा लीजिए, स्पेशली जो आपकी नेल्स और फिंगर टिप्स की जगह होती है, वरना तो बहुत ज़्यादा आपको जलने का सेंसेशन महसूस होगा। यहाँ देखें, हमारी चिकन भी बहुत मज़े की पक रही है एंड ये विद द स्किन होते हैं। आपको चिकन विंग्स, आप सबको पता है, बहुत आराम से फ्रोजन मिल जाते हैं और इसका ये होता है कि जब स्किन होती है तो उससे एक मॉइस्चर चिकन में मेंटेन होता है एंड एट द सेम टाइम जब वो मॉइस्चर मेंटेन होता है यू फाइंड दैट बिकॉज चिकन की जो फैट होती है वो स्किन के साथ होती है तो यू फाइंड दैट मीट अच्छी तरह टेंडराइज हो जाता है। मेन चीज़ ये कि आपने इसका जितना भी मसाला है उसको कच्चा नहीं छोड़ना और इस तरीके से अगर आपको लगे कि थोड़ा जो इसका मसाला है वो चिपक गया आप साइड पर कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं कमल बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शामिल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपकी रेसिपीज बहुत क्विक और बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। आप हमें इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते रहे और मैं आपकी रेसिपीज बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ। चले, वेरी गुड। आप कुछ कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं। कोई फरमाइश नहीं? मैंने सोचा कोई केक की फरमाइश कर दें, कोई ईद के हवाले से फरमाइश कर दें। चले, आई थिंक चली जा चुकी है। ओहो, डिस्कनेक्ट हो गई। चले, आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ अगर आपको कोई फरमाइश लिखनी है, कोई आपको पूछना है तो आप बेशक वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ईद के हवाले से मैंने आपके लिए थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा सा वक्त मिल गया है, आज चीज़ें तैयार हो चुकी हैं टाइम पे, थोड़े से विंग्स को टाइम लगेगा लेकिन डजेंट मैटर। मैं आपको बता दूं कि हम ईद के लिए बहुत ही ख़ास किस्म की मिठाइयाँ बना रहे हैं। ये रिवायती मिठाइयाँ ज़रूर हैं लेकिन ये एक्चुअली मेरी फैमिली की जो बोलेंगे ना सीक्रेट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर जो हमारे आखिरी 5 दिन होंगे उसके एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मदिया भी आ चुकी हैं, अभी हमें ज्वाइन करेंगी एंड यहाँ जो चिकन विंग्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एज यू कैन सी, नाइस कलरिंग, ब्राउन
एंड इनको इस तरीके से डिश आउट कर देते हैं। और आप झट मदिया तो आ गई हैं। अरे मैं आ गई। तो हमारे पास कितनी देर रह गई है? दो मिनट, लेकिन सबको रेसिपीज दिखा देना जल्दी से। हाँ, जल्दी से रेसिपी कार्ड बिल्कुल तैयार है। एंड हमारे पास वक्त बहुत कम है मदिया, तो आज हमने अपनी डिशिंग आउट जल्दी से करनी है। यहाँ मेरे पास जर्मन मिर्च एक मैंने काट के रखी हुई है जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आप साथ खाना चाहें तो ज्यादा तीखी भी नहीं होगी, यू कैन जस्ट एंजॉय इट। एंड ये यहाँ बिल्कुल तैयार है। चलो, हमारे ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने डिश आउट भी कर लिया एक और इसको और आपके लिए प्रेजेंटेबल भी बना दिया और ये लुक भी देख लीजिए। एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज एपिसोड, आपको अच्छा लगा, और कल भी हम आपके लिए इसी तरह मजे के खाने लेके आएंगे। देखते रहिए रमजान दस्तरखान, रौनक रमजान में। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।